न्याय स्थापना अभियान देश ही नहीं पूरी दुनिया की आवश्यकता है। अनेक प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं अथवा जितने भी संकट हैं उन सभी का प्रॉपर समाधान है। हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया की सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हजारों वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अपराध, गुलामी, दास्ता, अदृश्य जंजीरें, इन सब ने मानवता को प्रभावित किया है। मानवीय जीवन मूल्य खोया हुआ है। हम लोग जब तक अपने मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित नहीं करते तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं है। न्याय ही सामाजिक और राष्ट्रीय सभी प्रकार की समस्याओं का एकमात्र और अत्यंतिम समाधान है। यदि हम वास्तविक समाधान चाहते हैं अपने सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं का तो हमको न्यायप्रिय बनना होगा। मनुष्य जंगली जीवन नहीं जी सकता, उसको मानवीय दृष्टिकोण चाहिए। मनुष्य को पशुता प्रिय नहीं है, प्राकृतिक जीवन प्रिय नहीं है। मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। सांस्कृतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को न्याय के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था की आवश्यकता हो। जंगल न्याय पर आधारित नहीं है, वहां पर सम विषम का कोई व्यवहार नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। क्या समुचित है, क्या अनुचित है, इस पर कोई चिंतन नहीं है। जंगल में जिसको जैसा व्यवहार करना है वैसा करता चला जा रहा है। पशुता मानवता को समाप्त कर देती है। अगर हम मानवीय सामाजिक व्यवहार को प्रतिष्ठित कर लेते हैं तो हमारी समस्त मानवीय सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याएं स्वतः समाधान को प्राप्त हो जाएंगी। इसके लिए किसी झगड़े, फसाद, उपद्रव की जरूरत नहीं है। मछलियां ना चाहें तो मछुआरा कुछ नहीं कर सकता। समुद्र की मछलियां पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनकी चाहत के फैसले उन पर नहीं हैं, मछुआरे के हाथ में फैसले हैं कि वो चाहें अथवा ना चाहें। उनकी इच्छा अनिच्छा, उनकी सहमति असहमति मछुआरों पर ही निर्भर रहती है। जो वो खुद सही गलत उचित अनुचित समझने की स्थिति में नहीं है उनके भाग्य का विधान मछुआरा है। तो मछुआरों के चंगुल से छूटने के लिए, उनके सिकंजे से बाहर निकलने के लिए, उनकी जाल से मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है, वो है बौद्धिक समझ। बुद्धि में आप सही और गलत को समझने की सामर्थ्य पैदा कर लें, सही को स्वीकार करें, गलत को छोड़ दें।
सही बातें ये हैं कि हम सब का जीवन उन्हीं तत्वों से बना हुआ है। हम सब मौलिक रूप से एक समान अस्तित्व वाले हैं, इसलिए हम सभी मनुष्यों का एक ही समान अधिकार बनता है। गुणात्मक औचित्यता ठीक है, लेकिन मौलिक समता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्मतः मनुष्य समाधिकारी है। मनुष्य जिस प्रकार का जन्मतः शरीर प्राप्त करता है, यह बौद्धिक समझ वाला है, सही गलत समझता है, इसके लिए एक नियम बना दिया जाए कि सबको बाएं चलना है तो सब बाएं चलते रहेंगे। जंगल में कोई भी नियम बना के तख्ती टांग दीजिए, कोई लाभ नहीं है, उसे कोई समझने अथवा दूसरों को समझाने वाला नहीं है। अब ये बात बिल्कुल साफ है कि मनुष्य को पशुओं जैसा नहीं रखा जा सकता, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि विगत हजारों वर्षों से मनुष्य को मछुआरों के द्वारा पशु तुल्य रखा गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत चलता रहा है। मनुष्य मछलियों की भांति हो गया और उनके जालों में, चंगुलों में, सिकंजों में फंस करके त्राही त्राही करता रहा और इसे बचाने वाले कोई खड़े ना हुए। कोई खड़ा भी हुआ तो बचा करके उनको सही व्यवस्था नहीं दे पाया, जिसकी वजह से पुनः पुनः वो मछुआरों के जाल में, चंगुल में, सिकंजे में, उनकी गिरफ्त में, उनके बंधनों में बंधुआ होते रहे। ताकत के आधार पर फैसले होने लगे, शक्ति का साम्राज्य प्रतिष्ठित हो गया पूरी दुनिया में, सत्य का जीवन मूल्य खो गया। क्या सत है, क्या असत है, इसकी समझ मनुष्य की बौद्धिक सामर्थ्य के भीतर है। मनुष्य को डिस्कस करके, एक्सप्लेन करके सही और गलत साफ किया जा सकता है। सामान्य बुद्धि से पशुओं को भी दिखाई देता है कि सामने कोई दूसरा पशु है और दूसरा जो है वो दुश्मन है, तो दूसरे के हितों की उपेक्षा और उसका तिरस्कार प्रारंभ हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस अदार्शनिकता को पशुओं की भांति दूर नहीं कर पाए और सत दर्शन को समझ और समझा नहीं पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे के प्रति दूसरेपन का भाव और बोध बनता चला गया, दूसरों के प्रति अपनेपन का बोध नहीं जाग पाया। दार्शनिक अंधेपन ने यहां तक परिस्थिति पैदा कर दी कि एक ही पिता से उत्पन्न दो संतानों के बीच में कोई पारस्परिक बंधुत्व, भाईचारा उत्पन्न नहीं हो सका, कोई संबंधों की अनुभूति नहीं हो सकी। उसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग परस्पर दूसरेपन के दोष से ग्रस्त हो गए। पंच दोषों ने उनको पकड़ लिया, परस्पर वो दंभी बन गए, एक दूसरे का दमन करने लगे और दमनकारी साम्राज्य का उदय हो गया। समाज जो है जंगल हो गया, मनुष्य पशुतुल्य जीवन जीने को विवश हो गया। मनुष्य रोटी, कपड़े, मकान तक के लिए संघर्ष कर रहा है पिछले हजारों सालों से,
आज भी भारत में 77% नागरिक सरकार कहती है कि 20 रुपए से नीचे वाले हैं। देश की 87% संपत्ति मात्र 9% लोगों के हाथ में है, 70% नगदी मात्र 8,200 लोगों के हाथ में। हम लोग कैसे इंबैलेंस हो गए? हमारा आधार खो गया। न्याय करने का जो आधार था वो था सत्य का ज्ञान, और ज्ञान दो ही प्रकार का होता है। एक होता है जो परस्पर एक को दूसरे से जोड़ता है, और दूसरा ज्ञान जो एक को दूसरे से तोड़ता है, उनके बीच में कोई संबंधों को नहीं देख पाता। एक ऐसा दर्शन जो संबंधों का दृष्टिकोण आपको ना दे पाए, उसे असत दर्शन कहते हैं। सत दर्शन कहता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, मैं हर तू से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। तो रिलेटिविटी माने संबद्धता, पारस्परिक संबद्धता का सिद्धांत ही सत दर्शन है, जो बार बार उद्घाटित हो जाता है। लेकिन दंभी प्रवृत्ति के लोग जो दूसरे को दुश्मन मान बैठते हैं, वो इस दर्शन के बजाय पशुता के दर्शन को ही स्वीकार कर लेते हैं। इस दर्शन का नाम अद्वैत दर्शन था, जो ये कहता है कि परस्पर जो दो दो दिखाई देता है, ये द्वैत नहीं है। मैं तू हर जगह है, एक आप है, एक सामने दूसरा है। इस तरफ हिंदू है, उस तरफ मुस्लिम है, तो मैं और तू ये दो परस्पर खड़े हुए, इनके बीच पारस्परिक संबद्धता का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था, जो दर्शन था, उसे अद्वैत दर्शन कहते हैं। कि इन दोनों के बीच में द्वितीयता नहीं है, द्वैतता नहीं है। अब द्वैत नहीं है तो द्वंद्व भी इनके बीच में फिर नहीं छिड़ना चाहिए। पारस्परिक इनके हिताधिकार समुचित कर दो, कि जो एक का अधिकार है वही दूसरे का अधिकार, उसी के समतुल्य कर दो, सारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। और ऊपर से जो आपको लड़ाना चाहता है वो सिर्फ इतना ही करता है, वो ये कहता है कि एक को शिक्षा देंगे दूसरे को नहीं, एक को रोजगार देंगे दूसरे को नहीं, एक बस्ती को सड़क पानी बिजली देंगे दूसरे को नहीं, एक संवर्ग को संरक्षण देंगे दूसरे को नहीं। आप देख लें, ये व्यक्ति परिवार समाज और समष्टि चार तलों पर व्यवहारिक जीवन आपका प्रतिष्ठित है। इस दार्शनिक दृष्टिकोण को समझें, एक इधर है एक उधर है, इधर मैं है उधर तू है, इस मैं और तू के बीच में कोई रिलेशन है या कोई रिलेशन नहीं है, दो ही स्थितियां हो सकती हैं। वेदर बोथ आर कनेक्टेड आर अनकनेक्टेड, यू हैव टू डिसाइड इट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सेज कि दिस इज कनेक्टेड, बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। इनके बीच में द्वैत मिथ्या है, अद्वैत सत्य है। लेकिन वो अजीब अजीब परिभाषाएं गढ़ के सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात को अनेक प्रकार के उलझनों में मछुआरे लोग इसे डालते रहते हैं। दर्शन दो ही हैं, एक तो ये कि तुम्हारे बीच में भ्रातृत्व स्वीकार हो, बंधुत्व स्वीकार हो, अथवा शत्रुत्व स्वीकार हो। मैं और तू के बीच में शत्रुता को स्वीकार किया जाए या मित्रता को स्वीकार किया जाए, इनके बीच में कोई आत्मिक संबंध को स्वीकार किया जाए, या कि इनके बीच में किसी भी प्रकार के संबंधों को स्वीकार ना किया जाए, दो ही स्थितियां हैं। तो इन दोनों स्थितियों में से एक आपको चुनना होता है। एक सत है, दूसरा असत है। एक कहता है संबंध है और दूसरा कहता है परस्पर संबंध नहीं है। मैं और तू के बीच में
सारे झगड़े इस दो के ही हैं कि भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू जैन, हिंदू ईसाई, बौद्ध ईसाई, हर जगह जितने भी द्वैत हैं, इन सब द्वैतों में कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? ये बोध का विषय है, विज्ञान में शिक्षा का विषय है। जब आपको ये दार्शनिक ज्ञान विश्लेषण परक ढंग से पढ़ा दिया जाए बचपन में ही, तो आप जीवन भर दूसरे से नफरत नहीं कर पाएंगे। आपकी जैसी बुद्धि होती है वैसे ही आपका व्यवहार होता है। एक कहावत प्रसिद्ध है, जैसी मति वैसी गति। मति माने बुद्धि, गति माने आपका आचार व्यवहार। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार का व्यवहार करें परस्पर। मैत्री संस्थापको यश्चो विश्व शांति विधायक, सनातनाय धर्माय तस्मै नित्यं नमो नमः। ये धर्म कहता है कि परस्पर मैत्री को स्वीकार करो, मित्रता स्वीकार करोगे तो मित्र के हितों को अपने समान रखोगे। जब आपने कहा कि हम और आप दोनों परस्पर संबद्ध हैं, रिलेटेड हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्वीकार करते हैं, समझ गए हैं, बोध को प्राप्त हो गए हैं, तो चालाक लोगों ने क्या कहा, ये तो बड़ी तपस्या का बुद्धत्व, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा, सत्य सबकी अपनी अपनी निजी खोज का विषय है ना, ये तो स्कूल में पढ़ाने का विषय है। सत्य का बोध स्कूल का विषय है, शिक्षा का विषय है। दिस इज कंसर्न्ड विथ एजुकेशन, द फिलॉसफी 100% इज कंसर्न्ड विथ एजुकेशन। एजुकेशन में आपको ये पढ़ाया जाता है कि तुम जितने भी मैं और तू का निर्माण होता है, इनके बीच एक सापेक्षता है कि अगर दूसरे को मिटाओगे तो पहला भी मिट जाएगा, सिक्के के एक पहलू को मिटाओगे तो दूसरा भी मिट जाएगा, पूरब को मिटाओगे तो पश्चिम मिट जाएगा, पश्चिम को मिटाओगे तो पूरब मिट जाएगा। दो दिशा में से दोनों दिशाएं सापेक्ष हैं। सापेक्षता का मतलब यह होता है कि दोनों का सह अस्तित्व है, इसे हटाने से दूसरा भी गायब हो जाएगा, ये सह अस्तित्व में हैं। इसलिए यदि आप दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हो, पुरुष है स्त्री के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता, तो स्त्री के मिटते ही पुरुष को भी मिटना होगा। यदि स्त्री पुरुष के विरुद्ध है और वो पुरुष को मिटा देना चाहती है तो स्त्री को भी मिटना होगा। यदि आप हिंदू हैं और आप ईसाइयत को मिटा देना चाहते हैं, इस्लामियत को मिटा देना चाहते हैं, जिस किसी भी दूसरे को मिटाना चाहते हैं, तो आपके मिटने का भी प्रबंध हो जाएगा। और यदि आप इस्लामिक हैं और बाहर जो भी कोई दूसरा है उसको आप मिटाने की प्रवृत्ति वाले हैं, तो आपका इस्लाम भी मिट जाएगा। इस दुनिया में अगर आप ये सोचें कि आप अंधकार को पूरा मिटा देंगे, तो आप निश्चित समझ लें कि प्रकाश भी मिट जाएगा। अगर प्रकाश को मिटा देना चाहते हैं पूरा, तो अंधकार भी मिट जाएगा। जब भी होगा सृष्टि में तो दोनों ध्रुव सापेक्ष रहेंगे, उत्तरी ध्रुव के सापेक्ष दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के सापेक्ष उत्तरी ध्रुव। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रहेंगे। गलत आदमी और सही आदमी दोनों का कम्बिनेशन है ये, दोनों को रहने दो। बस ये है कि गलत आदमी को उच्च पद पर मत ले जाओ और सही आदमी को नीचे मत प्रतिष्ठित करो। पात्रता अनुसार पदनियुक्ति की व्यवस्था कर लो और अपराधी से लेके क्यूलेस से लेके एसक्यू तक एक सुव्यवस्था दे दो। क्यूलेस है आप उसे जंगलों में रहने के लिए छोड़ो,
पी क्यू है तो कृषि क्षेत्र में लगा दो, आई क्यू है तो वाणिज्य क्षेत्र में लगा दो, ई क्यू है इमोशनल कोशंट वाला तो उसे आप राजकीय क्षेत्र में लगा दो, और अगर एस क्यू वाला है सोल कोशंट स्पिरिचुअल कोशंट तो उसको नेतृत्व के क्षेत्र में लगा दो, मार्गदर्शन के क्षेत्र में लगा दो, गुरुत्व के क्षेत्र में लगा दो, उसे पुरोहित बना दो। और फिर देखो आप ऐसा एस क्यू लेवल का पुरोहित पादरी इमाम लामा अगर आपने बना दिया तो जानते हैं क्या होने वाला है। एस क्यू माने होता है निष्पक्ष न्यायकारी विवेक, एक ऐसा पंडित समदर्शिना जिसे कहा गया, पंडित समदर्शिना सुनी चाहिए वो स्वपा के चा पंडित गीता का एक श्लोक। पंडित कौन, पुरोहित कौन, पादरी कौन, लामा कौन, संत कौन, आंसर है कौन बने, द पर्सन हु हैज गार्ड द एस क्यू लेवल, द सोल हैज बीन डेवलप्ड बाय समबडी, he can become a universal personality, he will be a universal personality, the person who has God developed his soul, his spiritual conscience, his conscience, vivek, vivek nishpaksh nyayakari hota hai, hamesha dhyan rakhein ki jitni matra mein aapka vivek hai utni matra mein charo taraf nishpakshata barsegi, आपका नेत्र एक ब्रह्म चक्षु जाग जाता है, वो ब्रह्म चक्षु निष्पक्ष न्यायकारी होता है, उसे तीसरा नेत्र समझ लें मोटे शब्दों में, तीसरा नेत्र जो है वो इन दोनों नेत्रों के बीच में पाया जाता है, वो देखता है जो वो निष्पक्ष होता है। यदि यहां पर आपका कंसेंट्रेशन है, यहां पर आपका सोल पॉइंट है, यहां पर आपका कॉन्शस पॉइंट है, चिद बिंदु है, यही स्थिर रहता है, यहां से जो बात आप बोलते हो वो निष्पक्ष होती है। चार सेंटर है बॉडी, रीढ़ का निचला हिस्सा, फिर नाभि के पास का एक सेंटर, फिर हृदय के पास एक सेंटर, और फिर एक आज्ञा चक्र कहते हैं इसे, इस सोल का सेंटर है, विवेक का सेंटर है। कुछ लोग बुद्धि में ही विवेक ढूंढ देते हैं ना, आईक्यू में विवेक नहीं होता, ऐसी गलती मत करना, आईक्यू वाला एक भी बंदा विवेकशील नहीं होता, उसके चक्कर में मत पड़ना। बुद्धिमान व्यक्ति विवेकशील होगा कोई गारंटी नहीं उसकी, और होगा ही नहीं, ये शत प्रतिशत प्रमाणित है। विवेक उसको कहते हैं जो समस्त वृत्तियों का मालिक होता है, आईक्यू वाले तो सब वृत्तियों के दास है। आप समझ सकते हैं कि जो इच्छाओं का मालिक है वो ईश्वर है, जो वृत्तियों का मालिक है वो विवेक है, जो आदतों के मालिक है वो आत्मा है। दिस इज कॉल्ड योर सोल, इफ यू कैन डेवलप दिस सोल यू कैन अचीव द एस्क्यू लेवल, एंड दिस इज ये चुनौती है, ऐसा नहीं, एक चुनौती है किसी के लिए भी, दिस इज ए चैलेंज, यू कैन फेस इट, एनीबडी कैन फेस दिस चैलेंज, देन ही कैन गेट हिज सोल कॉन्शियस, एंड सोल इज फायर्स प्योर एंड सो ब्यूटिफुल, इफ यू कैन डेवलप दिस यू कैन गेट योर सच्चिदानंदमयी कॉन्शियस। अब वो पूरा आपको सघनता से भर देता है, पूरी महिमा से भर देता है, पूरी मस्ती, पूरी मादकता, एनर्जी को ऊपर उठा ले जाता है, पूरी एनर्जी को घसीट के ऊपर ले जाता है और मनुष्य को योगस्थ कर देता है। भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक, दोनों भ्रूरों के बीच में जो प्राण ऊर्जा को उठा करके अब सम्यक रूप से वहां धारण कर लेता है, काम ऊर्जा ही आपकी राम ऊर्जा बन जाती है, भोग ऊर्जा ही आपकी योग ऊर्जा बन जाती है। इफ यू कैन विन दिस चैलेंज, फेस दिस चैलेंज, देन यू कैन गेट योर एस्क्यू लेवल एंड यू कैन पास द एस्क्यू लेवल, यू कैन पास दिस टेस्ट, वी आर कंडक्टिंग, न्याय धर्म सभा इज कंडक्टिंग दैट टेस्ट, यू कैन पास दिस
यू कैन अपीयर इन दैट टेस्ट, एनीबडी कैन अपीयर. एंड आई मेक ए गारंटी दैट द पर्सन हु हैज गॉट दिस कॉन्शियस लेवल, हुज कंसाइंस हैज बीन डेवलप्ड बाय दैट पर्सन, 100% गारंटी है न्यायशील होगा. जस्टिफिएबिलिटी आ जाती है उसमें ऑटोमेटिक. पंडिता समदर्शिना, लोग गीता पढ़ के समझे नहीं, केवल पढ़ने से नहीं होता. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट देन इट इज यूजफुल. इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट देन यू कैन लूज इट. पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भयानकोय. कबीर कहते हैं ढाई याखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. ये आपका ये जो समदर्शिता है ये आपके हृदय को प्रेम से भर देती है, रस से भर देती है. आप किसी को नकार नहीं पाओगे, किसी को शत्रु नहीं घोषित कर पाओगे, किसी को आप जलील नहीं कर पाओगे, किसी के हितों का नाश नहीं करोगे, न्यायोचित बर्ताव आप करने लग जाते हो, प्रेम पूर्ण हो जाते हो. हाथ आपके पाप की जगह पुण्यात्मक हो जाते हैं, आप कर्मठ हो जाते हो, रातों दिन काम कर सकते हो. आप समझ लें ये जगत बहुत बहुत व्यापक है, लेकिन कब जब मानवता इस व्यापकता को इसके अर्थों में जान ले और इसके अनुसार जिए, आपकी कंसाइंस आपकी सोल ये सोई हुई होने के कारण आप सब कुछ भी सही काम नहीं किए. आप भाग के तपस्या करते रहे, आपने सोचा तपस्या करने से आपकी सोल डेवलप हो जाएगी, ना ना. एक कली बहुत तपस्या करेगी तो फूल हो जाएगी. विकास के जो खाद पानी उचित उसको देने की जरूरत है, ना कि तपाने की. तपाओगे तो सूख जाएगी, सूखने से विकास होगा क्या? सूखने से विनाश की संभावना अधिक है. इसलिए विकास के जो उचित जरूरतें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी, वैसी व्यवस्था देनी पड़ेगी, वैसा खाद पानी उसका रखवालीपना सब करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा. आप लोग समझे नहीं थे, आप सोच रहे थे अनपढ़ रहते. एक आदमी अभी PQ लेवल का है, स्कूल भी नहीं गया है, और वो साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है. अब कहां से हो जाएगा? जो क्रम ही नहीं उसका विकसित है तो वो सोल कहां से विकसित हो जाएगी? ये सब परिणामी है, एक के बाद अनुवर्ती है कि एक के बाद दूसरा विकसित होगा. PQ देन IQ देन EQ देन SQ सीढ़ी वाइज है. इसमें स्टेयर्स हैं, ऐसी लाइन से एक एक करके चढ़ो, आगे बढ़ो, एक एक करके चढ़ो. और यही जो है प्राचीन काल में ये विकास पर आधारित ही वर्ण व्यवस्था थी, जिसे आप जाति व्यवस्था में बदल के और दुख उठा रहे हो आजकल. इफ यू कैन चेंज योर जाति व्यवस्था कास्टिज्म इनटू दिस वर्ण व्यवस्था द मेरिट सिस्टम, कास्टिज्म की जगह मेरिटिज्म चाहिए आपको, गुणतंत्र चाहिए आप दुनिया को. गणतंत्र बहुत कर लिए हो, अब जरा गुणतंत्र की ओर आ जाओ. पहले भी कई लोगों ने आपसे कहा कि गुणात्मक हो जाओ, और जिसने आपको कोई सही बात कही आप चिढ़ गए. तो चिढ़ा ना करो, गुस्सा ना किया करो. जब गैलीलियो कहे कि सूरज चक्कर नहीं काटता तो बुरा मत मानो, पृथ्वी ही काटती है. इसलिए आप लोग इस पूरे सिस्टम को समझें. आज हमने थोड़ा दार्शनिकता इस पर खोलने की कोशिश की कि आप सबको थोड़ी बहुत जानी. अगर जानकारी इन चीजों की नहीं दी जाएगी तो आप सब पता नहीं किस आधार पर डिसीजन लेते रहेंगे. आज आम आदमी पार्टी के एक पुरानी कार्यकर्ता नैना जी भी बैठी हुई थी, आई हुई दिल्ली से, तो उनसे हमने यही चर्चा किया. हमने कहा बेटा देखो, किस आधार पर तय करोगे
कि कोई बात सही है, हर संगठन तो अपने को सही मान रहा है, तो एटलीस्ट पैरामीटर शुड बी देयर, जिस आधार पर, जिसके बेस पे आप ये तय कर सकें कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो एक पैरामीटर होना चाहिए सभी जगह, पूरी दुनिया में होना चाहिए कि कोई भी बात सही है गलत है, इस पैरामीटर से उसे जांचा जाएगा। उसी को सिद्धांत कहते हैं, द प्रिंसिपल। तो एक प्रिंसिपल शुड बी देयर जिसके आधार पे आप फैसले करेंगे। जैसे पानी के निर्माण का एक सिद्धांत है H2O। एक छोटी सी बात के लिए भी आपको सिद्धांत की जरूरत पड़ती है कि पानी के क्षेत्र में पानी बनाने संबंधी कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल की याद आएगी कि व्हाट इज दैट प्रिंसिपल, H2O, हाइड्रोजन 2 times, ऑक्सीजन 1 time, और दोनों को चुंबकीय क्षेत्र में मिलाने से पानी बन जाता है। अगर तुम इस प्रिंसिपल को लिखे रखे हो तो इसी आधार पर पानी बनाने से संबंधित आपके डिसीजन होंगे कि क्या लाना है हाइड्रोजन, क्या लाना है ऑक्सीजन, कितनी मात्रा में देख लो, हा? उसमें वो प्रिंसिपल बता रहा है आपको, वो प्रिंसिपल आपको गाइड करता है। तो प्रिंसिपल इज योर गाइड। और ध्यान रखो, जब भी कोई गाइड, जब भी कोई गुरु, जब भी कोई नेता, जब भी कोई आपका प्रणेता, जब भी कोई मार्गदर्शक, जब भी कोई आपका संदेशिया, वाहक, भगवान का दूत कोई भी आए और आपका मार्गदर्शन करने लगे, तो कहना कि ये सिद्धांत पर आधारित बोलो, सिद्धांत से भटक न तो भटकना ना हमको भटकाना, और फर्जी साधु ना बनो कि कोई भी कपड़ा पहने चल दिए, कपड़ा पहने चल दिए, अरे कपड़ा क्या करेगा, हम तो कोई सा भी कपड़ा पहन के कहीं भी जाएं, जींस पहन के भी हम चले जाएं तो भी हमारी बातों का लेवल वही है, और हमारी कोई ड्रेस निर्धारित भी नहीं, हम तो कुछ भी पहनते हैं, क्यों, हमारे पास तो सब गिफ्टेड सामान है, जो जिसने गिफ्ट कर दिया, नहीं गिफ्ट किया तो महीनों बिना चप्पल के भी हमने काटे हैं, क्यों, जब हमने जॉब रिजाइन कर दिया तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, अब समाज का काम करना है तो आपको जैसी भी परिस्थिति रहेगी वैसा रहना पड़ेगा। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि आप तो ये सब साधु टाइप ड्रेस पहने रहते तो आप ये तो इससे तो गलत मैसेजिंग होगा। हमने कहा भैया गलत मैसेजिंग कैसे होगा, अरे बोले बहुत से लोग आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, आप न्याय का न्याय पे बोलते हैं और लोग कहेंगे लो ये तो कोई हिंदू साधु है भाई। नहीं भाई, हम आदमी ठीक है, हम चाहे जो ड्रेस पहन लें, हमको हमसे ना तो इस्लामिक आदमी नफरत करेगा, ना बौद्ध करेंगे, ना जैन करेंगे, ना ईसाई करेंगे, ना हिंदू करेंगे, कौन 95%। अब 5% तो देखो भाई, हम चाहे जो ड्रेस पहने, मछुआरा वर्ग को वो तो कहे गए मछलियों को कहां भड़का रहे हो, ये तो शिकार है, उनके जाल में फंस रहे हैं, तुम इनको क्या बता रहे हो न्याय, अरे न्याय भाई कोई छतोड़ी होता है। तो 95% तो हम गारंटी लेते हैं, आप चाहे इस्लाम में हमको ले जाओ और हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम तो कोई कह दे कि आप जो है ये ड्रेस नहीं जच रही, ये दूसरी ड्रेस पहन लो, तो हम कह देंगे जाओ खरीद भी ले आओ और पहना दो, उस भाषा में जो उसी भाषा में पढ़वाना उस भाषा में पढ़वा, हमको कहना तो वही है, आप चाहे अंग्रेजी में बुलवाओ, चाहे हिंदी में बुलवाओ, चाहे संस्कृत में बुलवाओ, चाहे उर्दू में बुलवाओ, जौन सी जबान में बुलवाना है हमको आप बता दो, ट्रांसलेट कर, हम बता रहे हैं ये कहना है, आप ट्रांसलेट करके रखो, सभी लोग बोलो उस भाषा में, दिक्कत क्या है इसमें। और हम जो बोल रहे हैं, हमारे कई लोग जो है उसको बंगला में ट्रांसलेट करके डाल रहे हैं, कुछ पंजाबी में ट्रांसलेट करके डाल रहे हैं, चारों तरफ करें, इसका मतलब ये हुआ अभी तो इस्लामिक लोग भी, अभी देखना कोई ना कोई उर्दू में भी ट्रांसलेट करके डाले, अंग्रेजी हिंदी उर्दू इस सभी भाषाओं में अपना अपना ट्रांसलेट, जो जो विद्वान अपने संगठन में जिस जिस भाषा के होंगे उसको ट्रांसलेट कर डालेंगे और कर करके उसे प्रसारित करेंगे और लोगों को मजा आएगा कि अच्छा ये बात थी। अच्छा ध्यान रखो, हर धर्म कहता वही था, वो लोग भाषा इसलिए डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि कभी मिल ना पाए, मिल जाएंगे तो ये बहुत सर्वशक्तिमान हो जाएंगे, तो इनको हिंदू मुस्लिम मत मिलने देना, इनको सिख और ईसाई को मत मिलने देना, और इनके बीच में कलह उत्पन्न किए रहो ताकि ये मिले ना बेचारे, एक दूसरे से भाषा पास आन न कर लें। तो हमेशा ध्यान रखो कि भाषा का एकीकरण होना चाहिए और
लोगों को जोड़ो जरा, न्याय में तुम सब एक हो जाओगे अपने आप। न्याय ये कहता है कि अगर एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए, एक को रोजगार तो दूसरे का रोजगार भी होना चाहिए, एक नागरिक को अगर सुविधाएं सड़क पानी बिजली मिलती हैं तो दूसरे नागरिक को भी मिलनी चाहिए। यदि एक नागरिक को संरक्षण मिलता है, चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग पेंशन, तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। ये सब चीजें जैसे ही आप लोगों के लिए समुचित रूप से वितरण की व्यवस्था अपना लोगे, और ये किसी की जेब से नहीं जाना, ये तो राजकोष से जाना था, तो इसमें क्या दिक्कत थी, वो तो सार्वजनिक धन था, आपको करना ही था, आप अभी तक किए नहीं, अब कर लो जल्दी से और बहुत सुंदर हो जाएगा जीवन। तो न्याय में हम सब एक हैं, और ये निश्चित रूप से समझें कि सभी लोग इस दर्शन को जब जानेंगे कि हम लोग वास्तव में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बंधे हुए हैं, हम लोग वास्तव में एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, हम लोग एक दूसरे के सापेक्ष हैं, एक दूसरे के बिना हम मिट जाएंगे। अगर औरतों को सबको मिटा दो तो पुरुष भी मिट जाएगा, पुरुष को मिटाओगे तो औरत मिट जाएगी, ये शर्तियां हैं। पूरब को मिटा के देखो पश्चिम दिशा गायब हो जाएगी, सिक्के का एक पहलू काटो दूसरा पहलू कट जाएगा अपने आप। इसका मतलब ये है कि दूसरे से नफरत नहीं करनी है, वी आर रिलेटेड विथ ईच अदर, मैं इज रिलेटेड विथ तू, एवरी तू, इसलिए मैं तू के बीच के सारे संघर्ष निरर्थक हैं मित्रों। और हम लोग आपस में एक बार फिर मिलें, जुड़ें, खड़े हों और एक दूसरे के चारों जनाधिकार सेट कर लें और संघर्ष को समाप्त करें, पृथ्वी को नरक ना बनाएं, पृथ्वी को हम सुंदर स्वर्णिम बनाएं, सर्वोपम बनाएं, ताकि यहां पे सब जन्म दोबारा लेने की इच्छा वाले हों। आप सबसे यही बारंबार आग्रह है, और आज का समय चूंकि समाप्ति की ओर है तो आपसे इस न्याय स्थापना अभियान में सबको कनेक्ट करने की अपील करें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टैग करें, दूसरों तक, सब तक पहुँचाएँ, इसे जन जन तक पहुँचाएँ, घर घर तक पहुँचाएँ, गली गली तक पहुँचाएँ, जाति जाति तक पहुँचाएँ, देश देश तक पहुँचाएँ, सर्वत्र इसे पहुँचाना है और हम सब की रिस्पांसिबिलिटी है। सभी लोग हाथ उठा उठा करके इस संकल्प को लेते रहे कि हमें इसे जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक ले जाना है इस न्याय की रथ यात्रा को, सभी जगह पहुंचा करके और न्याय के मुद्दे पर पूरा समर्थन व्यक्त करना है, और न्याय से सहमत होकर न्यायप्रियता को जगा कर एक न्यायशील समाज और न्यायशील राष्ट्र का सारी पृथ्वी पर सार्वभौमिक रूप से गठन करना है। इस आधार पर हम सब एक हैं और इस एकता को हम लोग संबल प्रदान करें। आप सब जो अभी मित्र लाइव बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग कल पुनः किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, और अभी प्रश्न लिए जा रहे हैं तो कुछ प्रश्न ही पुनः उठाए जाएंगे। आज एक सत्य का प्रश्न था, इसमें अंतिम तो हमने उस पर लिया कि सत्य के बिना वास्तव में कोई गति नहीं है, कोई भी पार्टी, कोई भी ये सब जो भी हैं वो कहीं ना कहीं बेसलेस खड़े हो गए हैं, इसलिए दुख उठा रहे हैं वो लोग भी और जनता को भी दुख उठवा रहे हैं। तो कल हम लोग पुनः एक नए प्रश्न के साथ खड़े होंगे। सब लोग, आप लोग अपने प्रश्न इसमें डालते रह सकते हैं कमेंट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।